ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ से सनराइज। ईस्ट उधर है तो उतना प्रॉपर तो नहीं दिख रहा, बट बहुत ज्यादा चहचहा रही है चिड़िया। हम लोग बढ़ चले हैं अभी उडागा मंडलम, विच इज ऊटी रेलवे स्टेशन। तो ये वादियों से हम अब निकल चुके हैं। आई विल मिस दीज वादियाँ इवन दो दो दिन रहे। नीलगिरी के पेड़ लेफ्ट में ना जो है यहाँ पे अभी 14 हेयर पिन बेंड्स है, नंबर किए हुए हैं। बस वाले तो जनरली ऐसा नहीं करते, यहाँ से जास्ता जाता है साउथ इंडिया के सबसे हाईएस्ट पीक का डोडा बेट्टा। सब लोग डोडा बेट्टा देखने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं हमारी ट्रेन देखने। दिख रहा है ऊटी आने वाला है। जो भी है अभी काफ़ी बंजर पड़ा है, इसीलिए अच्छा हम यहाँ नहीं आए। यहाँ के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा है रहने के, वाइज डिसीजन। अंग्रेजी वेजिटेबल्स यहाँ ज़्यादा उखे जाते हैं, कैरेट टर्निप, कैरेट वहाँ पे है, कैबेज इधर है, बाकी कॉल ये क्या बोलते हैं टर्निप ब्रोकोली वगैरह वगैरह लगा हुआ है। ये ओनली गेटिंग स्वीट कैरेट। ईद की वजह से शायद हमें जगह जगह ट्रैफिक मिल रहा है। मोस्टली लोग सिंगल लेन ही फॉलो करते हैं, बट कुछ होते हैं जो इधर उधर घुस जाते हैं वो बस वाले जैसे। अच्छा पूरा ही बंद करके रखा है, ये रीडेवलपमेंट कर रहे होंगे स्टेशन का। यहाँ से ऐसे जाना है। इंटरेस्टिंग। तो अराउंड 22 से 25 किलोमीटर का हमें 1.5 घंटा लग गया ट्रैफिक की वजह से। होटल वाले के पहचान का बंदा था, 1300 रुपये उसने लिए, विच लुक्स ओके गोवा के रेट्स के बराबर। गोवा में हमने 16 किलोमीटर का कुछ 800 पे किया था, बट ठीक है उनका टाइम इतना जाता है और यही एम्प्लॉयमेंट है तो दे देते हैं। उदागा मंडलम, चलो एक भी ट्रेन नहीं लगी है, छोटी छोटी पटरी है। नाइस, पुराना डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, पर अभी के भी डब्बे ऑलमोस्ट ऐसे ही है, ज़्यादा पुराना होगा इसलिए रखा है। यहाँ पे एक हेरिटेज म्यूजियम भी है फ्री स्टेशन में जाने के लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा इस लाइन को भी मिला हुआ है। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन 1908, हेरिटेज म्यूजियम। कुछ कुछ यहाँ पे स्टीम इंजन के हैं। '1899 के ज़माने की फ़ोटो, कितना पुराना है ये पूरा लाइन। और भी कुछ कुछ इन्होंने दे रखा है, कुन्नूर के बीच की पहले की ट्रेन ऐसी थी, उटकामुंड। ये बहुत अच्छे लगने लगे, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। यहाँ पे नीलगिरी की पहली मिलेट विदाउट मैदा विदाउट शुगर वाली बेकरी है, तो अभी मैंने ये ख़रीदा है, देखते हैं बर्थडे स्पेशल। आई डिंट नो ट्रेन ऐसी उल्टी आती है रियर व्हील ड्राइव के लिए, इंटरेस्टिंग। अच्छा पीछे एक गार्ड जैसा कोई तो बैठा है। छोटी पटरी मेट्टुपल्लयम उडगा मंडलम, फर्स्ट क्लास रिजर्व। ओह फर्स्ट क्लास में केबिन्स नहीं थे, अच्छा ही था, कर सकते थे D2। अच्छा D2 में पूरा अच्छा एक गेट खुलता है पूरा। ओह इंटरेस्टिंग। और ये है पोनामालाई का डीजल इको शेड का GOC गोल्डन रॉक। बैठ गए 5 लोग एक सीट में, अच्छा है इनका सेकंड क्लास भी। फर्स्ट क्लास मुझे लगा कि इसने बोला था केबिन है इसलिए वो हमने किया नहीं, बस लोग कम होंगे, तीन हो गए। अच्छा यहाँ पे अभी पता नहीं हमारी तो किसी ने टिकट चेक नहीं की, पर 5-5 है तो वो अज्यूम कर रहे हैं शायद कि सब टिकट वाले हैं। एक मिनट, तो वो जो दो लोग इधर बैठे थे वो किस खुशी में बैठे थे, हिल नहीं रहे थे वो तो है भी नहीं यहाँ पे। एनीवेज हमारी ट्रेन चलती है। चल दिए हैं हमारी ट्रेन धीरे धीरे, टुचुक टुचुक।
टनल वनल भी है इस रोड पे बढ़िया। पहला स्टेशन हम लोग घुस रहे हैं जो दूर से लोनावला लग रहा था बट एक्चुअल में लव डेल है या तो लव डाले है कुछ तो वैसा ही है। अब थोड़ा थोड़ा व्यू देखने लगा है। वाव अब आया व्यू खतरनाक। केट्टी रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन आ गया है अरवंकाडू। हो गया सिग्नल कुछ कुछ तो। ओ ये बाहर से खुल जाता है गेट। हॉल्ट नहीं है इसका वेलिंगटन बट शायद टेक्निकल हॉल्ट के लिए रुकी थी 10 सेकेंड। कुल्लू स्टेशन आ चुका है वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है वो नीचे की तरफ है लेकिन अभी यहाँ हम आगे जाके रिवर्स होंगे और रिवर्स में लगेंगे। यहाँ से रिवर्स गियर डाल दिया है और यहाँ से रिवर्स में स्टेशन पे घुसाने वाला है कुन्नूर। यहाँ पे खाली होगी और भरेगी भी ना। यहाँ से दो डिब्बे निकल गए ये दो डिब्बे चले गए हैं और अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली स्टीम इंजन लगने वाला है। स्टीम इंजन सदर्न रेलवे। इस रूट को 2005 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन रेलवेज ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है माउंटेनियस रीजन्स के लिए। यहाँ पे अभी भी एक स्टीम लोको जिंदा है जो कुन्नूर से मेट्टुपल्लयम जाता है। हमारा इंजन लग चुका है। स्टीम इंजन पहली बार स्टीम इंजन के पीछे बैठा हूँ मैं भाप छोड़ते हुए। लोको पायलट अभी उतर के कुछ तो चेक कर रहा था चाके वाके ठीक है कि नहीं। कुन्नूर से ऊटी तक 3 ट्रेनें चलती हैं और ऊटी से मेट्टुपल्लयम बस एक चलती है मतलब आगे तक तो हम उसमें बैठे हुए हैं अभी। कुछ 300 रुपीज टिकट था शायद इसका सेकेंड क्लास का। मजा आ रहा है भाई छैया छैया वाली व्हील्स आ रही है एकदम। काफ़ी स्टीप है अब। Ooh, nice! This is what we were waiting for. Tea gardens के बीच में से गुजरते हुए। Wow! मेरे दिमाग में अभी आया था कि इतनी स्टीम उड़ती है तो पानी कहाँ से भरता है। मैं भूल गया था कि वाटर फिलिंग स्टेशन होते हैं। पता नहीं अब यहाँ पे भरा कि नहीं भरा। इतनी देर तो रुकी नहीं थी पर बहुत शानदार। मेरे हिसाब से जो ट्रेन ऊटी से कुन्नूर आती है उनमें नहीं बैठना है। कुन्नूर से जो मेट्टुपल्लयम जाती है उनमें बैठना है क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ही ट्रेन है। हाँ एक ही ट्रेन है। एक ही ट्रेन है ओनली वन ट्रेन। लाइट जला रहा है। यहाँ से वैली दिख रही थी जहाँ हमें जाना है जहाँ हमें उतरना है। ये पूरी वैली है इसके एकदम नीचे उतरना है वो नीचे रोड जा रहा है जिस रोड से हम आए थे और जहाँ पे सारे हेयर पिन बेंड्स वगैरह है। बहुत शानदार। अब दिख रही है वैली और वहाँ पे शायद दिख रहा है मेट्टुपल्लयम का शहर ये वाला। ओहो क्या हेयर पिन बेंड्स है। पानी भरेंगे अब यहाँ पे। पानी भर रहे हैं क्योंकि भाप पे सब उड़ जाता है पानी। इंटरेस्टिंग। ये यहाँ पे 5 मिनट के लिए हिल ग्रुप स्टेशन पे हॉल्ट है।
ऐसे कुछ ये चेन लगी हुई है जिसमें तीसरा व्हील चलता है, ये यहाँ से घुसना इम्पोर्टेंट है। तीसरा व्हील, तीसरा चक्का पकड़ने के लिए। अच्छा लग रहा है इंजन, स्टीम इंजन में बैठ के हाँ। चेन देखा मैंने, उसको वापस चेन पे चढ़ाएंगे। वर्किंग इंजन को पास से ले लेते हैं। ओ पानी भर गया, ये व्हील देखो, ये पूरा भाप की वजह से गीला गीला हो गया है ना चक्का, ये पूरा ऐसे घूमता। चलो सिटी बच गई। ड्रिंकिंग वाटर वगैरह और पब्लिक टॉयलेट के लिए स्टेशन पे जा सकते क्योंकि ट्रेन में तो कुछ है नहीं। अभी हाथी क्रॉस कर रहा था शायद, इसीलिए गाड़ी रुकी थी, पर हमें उतरने नहीं दिया किसी ने। हाथी देखने की पूरी कोशिश, बट कहीं हाथी तो नहीं दिख रहा। क्रॉस लेकिन ज़रूर किया है हाथी ने। बाइसन है, बाइसन है, बाइसन है, बाइसन भाग रहे आगे। लाइट जला लिया इंजन ने, इतनी आवाज़ गूंजती है स्टीम इंजन की। कुत्ते बैठे हैं पटरी पे। बाजू में ब्रॉड गेज लाइन है जहां से हम मेमू पकड़ेंगे।